यूपी इन दिनों चुनावी रंगों में रंगी हुई है। प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल दमखम लगाए हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ योगी सरकार प्रदेश में अपना परचम बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के सामने अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की चुनौती है। और यही वजह है कि इस बार निकाय चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते वक्त जातिगत समीकरण को पूरी तरह ध्यान में रखा है। अगर हम मेरठ नगर निगम सीट की बात करें तो यहां बीजेपी ने कांता कर्दम पर अपना दाव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने ममता वाल्मीकि को चुनाव में उतार कर कड़ी टक्कर पेश की है। तो वहीं गोरखपुर सीट पर बीजेपी ने सीताराम जायसवाल को टिकट दिया है, तो सपा ने राहुल गुप्ता को चुनाव में उतारा है। तो ऐसे में आगरा से समाजवादी पार्टी ने राहुल चतुर्वेदी पर दाव खेला है, तो वहीं बीजेपी ने नवीन जैन को आगे किया है। और ऐसे ही कोशिशें बीजेपी ने अयोध्या सीट पर ऋषिकेश उपाध्याय के रूप में पेश की है, तो समाजवादी पार्टी ने गुलशन बिंदु पर विश्वास जताया है। तो कानपुर सीट पर कांग्रेस की वंदना मिश्रा के सामने बीजेपी की परमिला पांडे है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि क्या कहता है यूपी का राजनीतिक गणित। अगर वर्ष 2012 के निकाय चुनावों पर गौर करें तो प्रदेश की 12 नगर निगमों में से 9 पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया था, जबकि 1 पर बहुजन समाज पार्टी समर्थित उम्मीदवार और अन्य 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। 2012 में बीजेपी ने वाराणसी, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ और अलीगढ़ में जीत का परचम लहराया था, जबकि इलाहाबाद से बसपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। तो दूसरी ओर बरेली और गाजियाबाद में सपा समर्थित उम्मीदवारों ने परचम लहराया था। प्रदेश की प्रतिष्ठित वाराणसी नगर निगम सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रामगोपाल मोहले ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 62,000 मतों से हराया था। तो वहीं दूसरी ओर मेरठ नगर निगम सीट से बीजेपी उम्मीदवार हरिकांत अहूवालिया ने 77,000 मतों से जीत हासिल की थी। इसके अलावा लखनऊ नगर निगम सीट पर भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर दिनेश शर्मा यानी मौजूदा उप मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरी बार विजय हासिल की थी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार नीरज बोरा को लगभग 1,00,000 मतों से हराया था। तो वहीं आगरा नगर निगम सीट पर भी भाजपा के उम्मीदवार इंद्रजीत आर्य ने बसपा समर्थित उम्मीदवार करतार सिंह को 5,000 मतों से पराजित किया था। इसके अलावा मौजूदा सीएम योगी की कर्म भूमि गोरखपुर में बीजेपी के उम्मीदवार सत्य पांडे ने कांग्रेस की सुरहिता करीम को 80,000 से अधिक मतों से पराजित किया था, जबकि इलाहाबाद नगर निगम सीट पर बसपा सरकार के दौरान मंत्री रहे नंदगोपाल नंदी यानी मौजूदा समय में योगी कैबिनेट के मंत्री की पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी ने बीजेपी उम्मीदवार कमला सिंह को करारी शिकस्त दी थी। इसके अलावा बरेली सीट से सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार आइस तोमर ने जीत हासिल की थी। तो वहीं गाजियाबाद नगर निगम सीट से भी सपा समर्थित सुधन रावत ने बीजेपी प्रत्याशी तुलेराम कम्बोज को कांटे की टक्कर में परास्त कर दिया था। इन आंकड़ों से आप साफ समझ सकते हैं कि पूर्व में नगर निगम चुनावों में बीजेपी की स्थिति ज्यादा मजबूत थी, और इस बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने से उसे बड़ा फायदा भी हो सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वैन टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।